Hello student, good afternoon. My name is Abneesh Kumar. Welcome to you all to Gyanpith Learning Center. मैं अबनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर में। तो जितने भी स्टूडेंट इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ प्लीज लेट मी नो इफ द वॉइस क्वालिटी इज परफेक्टली फाइन। क्या आवाज जो है यहाँ पे वो सही आ रही है, अच्छी आ रही है? सभी लोग जल्दी से आप लोग हमको बताइए इफ द वॉइस क्वालिटी इज परफेक्टली फाइन टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लेट मी नो दिस फैक्ट। जल्दी से स्टूडेंट आप लोग बताओ, यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो वॉइस क्वालिटी परफेक्टली फाइन, क्या आवाज सही आ रही है? तो जितने भी स्टूडेंट इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वॉइस क्वालिटी परफेक्टली फाइन, एकदम सही है स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में या आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर को हम आप लोगों के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एज इट। जैसा कि स्टूडेंट जो भी न्यूज है उसको वैसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बहुत ही गहराई के साथ में हम इसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट इस समय यहाँ पे अवेलेबल हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम ओवर हियर। तो जल्दी से स्टूडेंट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। वेरी क्विकली प्लीज शेयर दिस पर्टिकुलर सेशन ऑल ऑफ यू। दिस इज द न्यू चैनल, एज यू पीपल आर अवेयर, हमारा नया चैनल है। एंड यू नो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दोज हु आर लिसनिंग अस, जो हमसे जुड़ते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम ओवर हियर। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज का जो पेपर है उसको देखेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम वर्दी इंफॉर्मेशन क्या है, कौन सी है। एग्जाम वर्दी इंफॉर्मेशन को देखेंगे स्टूडेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे न्यूज पेपर में कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, विच आर द क्रूशियल वन, इंपॉर्टेंट वन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम ओवर हियर। चलते हैं स्टूडेंट आज के न्यूज पेपर में, देखते हैं कि क्या हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो स्टूडेंट आज का पेपर ये आपके सामने इस समय ओपन हो चुका है, इसका ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज पे स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे लिए कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। सैटरडे अक्टूबर 7 द हिंदू न्यूज़पेपर, वी आर गोइंग टू डिस्कस एट द पोडियम ऑफ ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर। तो ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर पे हम लोग स्टूडेंट आज का जो न्यूज पेपर है इसको बहुत ही गहराई के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द हिंदू न्यूज़पेपर, और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे हम लोग, देखो क्या लिखा, एंटी पोल्यूशन कर्व की किन इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स टर्न्स पुअर। देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा, इसी न्यूज से हम लोग आज के न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग करते हैं। एंटी पोल्यूशन कर्व की किन इज एयर क्वालिटी इंडेक्स टर्न पुअर, मतलब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये काफी पुअर हो गया है, हमारे जो वायु की गुणवत्ता है ये खराब हो गई है, इसलिए यहाँ पे एंटी पोल्यूशन जो कर्व है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। पोल्यूशन को रोकने के लिए जो हमारे प्रयास है उनको और तेज कर दिया गया है। तो क्या लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे, दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स स्लिप्ड इनटू द पुअर, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है और ज्यादा खराब हो गई है, पुअर हो गई है। और आगे लिखा है एट द 4 PM ऑन द फ्राइडे फॉलोइंग दिस स्टेज वन ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वॉज इम्पोज इन द नेशनल कैपिटल रीजन to prevent further deterioration of air quality. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो स्टेज वन होता है graded response action, इसको implement कर दिया गया, मतलब इसको लगा दिया गया है जिससे कि pollution को रोका जा सके, जिससे कि वायु की गुणवत्ता और ज्यादा खराब ना हो। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि आज की जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। ये देखो, ये देखिए सुन क्या लिखा, द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे द रिलीज ऑफ द बिहार का सर्वे डेटा। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट एक पटिशन दायर कर दी और कहा कि इस तरीके से जो कास्ट सर्वे का डेटा आ रहा है बिहार से, इसको रुकवा दीजिए आप। ये कास्ट वास्ट क्यों यहाँ पे लोग रिवील कर रहे हैं, क्यों नंबर नंबर यहाँ पे कोई जो है वो पब्लिक में लाया जा रहा है, ये कास्ट सर्वे की क्या रिक्वायरमेंट है, जातिगत आधारित जो जनगणना इसकी क्या रिक्वायरमेंट है हमारी जैसी डेमोक्रेसी को, इसको तुरंत रुकवा दीजिए। इस तरीके की पटिशन बेटा यहाँ डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो इस तरीके की पटिशन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई, तो यहाँ पे जानने लायक बात क्या है इसको हम लोग देखेंगे। इस तरीके की पटिशन को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में डाला गया और हमसे ये जो है बोला गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ये बोला गया कि जो जातिगत आधारित जनगणना है
इसके आंकड़े पब्लिक में नहीं आने चाहिए, इससे जाति जो है ना वो और ज्यादा गहरा रूप ले लेती है, मतलब जातिगत जो डिवीजन है वो और ज्यादा गहराता जा रहा है। जाति कम होनी चाहिए वो ऐसा नहीं हो रहा है, जाति के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो, ये चीज तो समाज में होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है, ये बढ़ रहा है। तो यहां पे देखो क्या बोला गया, द टॉप कोर्ट रिफ्यूजेस टू ऑर्डर द स्टेटस क्वो इवन इफ द पेटेंटस क्लेम डेटा वाज कलेक्टेड अनलॉफुली। देखिए क्या लिखा है, द टॉप कोर्ट रिफ्यूजेस टू ऑर्डर स्टेटस क्वो। टॉप कोर्ट ने यहां पे जो है मना कर दिया कि हम इंटरवीन नहीं करें। Even as petitioners flagged data was collected unlawfully, petitioners ने यह बात बोली कि जो data यहाँ पे collect किया गया ये unlawfully था, गलत था। आगे लिखा है dismisses the notion that its compilation and the publication affect the privacy, state told to the file its response। अच्छा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि देखो ऐसा नहीं है कि इससे किसी की निजता का हनन हो रहा है, प्रिवेसी का हनन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो डेटा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट को रोक देते हैं तो मतलब वी आर इंटरवीनिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब यहाँ पे हम खुद ही लेजिस्लेचर को रोक रहे हैं, एग्जेक्टिव को यहाँ पे स्टूडेंट हम रोक रहे हैं अपना काम करने से, ये गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यू कैन नॉट स्टॉप अ स्टेट गवर्नमेंट ऑन एनी गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग अ डिसीजन। यस, इफ देयर इज एन इशू विद रिगार्ड टू द डेटा That will be considered. अगर डेटा को लेकर कोई इशू है तो उसे कंसिडर किया जाएगा, लेकिन आप ये कहिए कि हम स्टेट गवर्नमेंट को रोक दें तो भाई तीनों जो ऑर्गन है वो इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर यानी विधायिका, एग्जेक्टिव यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका जिसे हम लोग कहते हैं जुडिशरी, ये तीनों अपने में इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट है, हम इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। देखो यहां क्या लिखा, The Supreme Court on Friday they refused to stay the Bihar government from the publishing data collected from its caste-based survey. तो caste-based survey से जो data यहाँ पे इकट्ठा किया गया उसको रोकने से मना कर दिया है Supreme Court ने। A bench headed by the Justice Sanjeev Khanna refused to be bothered by the fact that the state had released the data when the petition challenging the लीगैलिटी ऑफ द सर्वे वाज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तेरे जो लीगैलिटी यहाँ सेंसस है, कास्ट सेंसस है, वो तो अभी इशू पेंडिंग है, फिर भी ये डेटा यहाँ पे पब्लिश कर रहा है। यू कैन नॉट स्टॉप द स्टेट गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग अ डिसीजन, यस इफ देयर इज एन इशू विद रिगार्ड टू द डेटा दैट विल बी कंसीडर्ड, जस्टिस खन्ना एड्रेस द पिटिशनर्स। अ बेंच पोस्टेड द केस फॉर अ नेक्स्ट हियरिंग इन जनवरी 2024 while issuing notice to the state to file its response to the petitioners unlawfully collected. The main issue here is that the data was collected unlawfully and cannot be acted upon. An advocate Aparjita Singh and who led to the petitioner side argued and we you will be in the some difficulty on that and we have read the Patna High Court judgment and which upheld the survey. Made a prima facie view of the High Court judgment and the fairly detailed Justice Khanna observed. And Justice Khanna said that the likha hai cardinal issue was how much the breakdown of the data would be made available to the general public for the sake of transparency. तो ये सभी चीजें स्टूडेंट यहाँ पर निकल के आई हैं, sake of transparency. और आगे लिखा है the court further dismissed the notion that the लिखा है कॉम्पिलेशन एंड द पब्लिकेशन, कंपाइलेशन एंड द पब्लिकेशन ऑफ द डेटा अफेक्ट प्राइवेसी। आगे लिखा द प्राइवेसी इज नॉट एन इशू एज नेम्स इट्स एक्स्ट्रा आर नॉट पब्लिश, जस्टिस खन्ना। यहाँ पे लिखा है ओरली इन रिमार्क एंड मिस सिंह परसिस्टेड दैट द कोर्ट शुड ऑर्डर द स्टेटस क्वो is the state would publish more data by the next hearing in January and we are not staying this at a moment, Justice Khanna replied through at one point asking Mr. Diwan why state had published the data when the case was still pending and the senior advocate Shyam Diwan for Bihar said that the petitions were at a pre-admission stage and when the court was still deciding whether or not to issue formal notice
वी शेयर द डेटा रिसीव्ड वाज एक्सटेंसिव एंड वॉलंटरी फ्रॉम द पीपल एंड नीडेड टू बी एनालाइज्ड इन डिटेल टू हेल्प आइडेंटिफाई वेलफेयर एरियाज। यहाँ पे बात स्टूडेंट क्या हुई है, बात ये हुई है एक पिटिशनर ने पिटिशनर फाइल कर दी यहाँ पे कोर्ट में और ये बोला कि जो ये जातिगत जनगणना हो रही है इसका डेटा आप पब्लिक में आने से मना कर दीजिए क्योंकि ये प्राइवेसी का इशू है, किसी का नाम किसी की जात या पब्लिक में ऐसे ओपन नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा हम ऐसे रोक नहीं सकते, तीनों ऑर्गन अपने में फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं और हम इंटरवीन नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि ये प्राइवेसी इशू नहीं है, किसी का नाम जाति बताना ये कोई प्राइवेसी नहीं है, ये गलत बात है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्टेट से पूछा कि जब ये मैटर पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट के सामने तो आपने क्यों आंकड़े निकाल दिए, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये प्री स्टेज पे एक्चुअली अभी इशू लटका हुआ है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं इसको लिया है, संज्ञान नहीं लिया। दूसरी बात ये भी बोली है कि अगर ये डेटा पब्लिक डोमेन में आ गया तो इससे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, पब्लिक वेलफेयर की जो पॉलिसीज है उनको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इतनी बात स्टूडेंट यहाँ पे बोली गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चीजों को देखते हैं कि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है, न्यूज क्या है हमारे लिए। FIR लिंक्ड न्यूज क्लिक केस टू लीगल एड फॉर द चाइनीज कंपनीज। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए इशू क्या है। FIR लिंक्ड न्यूज क्लिक केस टू लीगल एड फॉर द चाइनीज कंपनीज। देखो यहाँ पे FIR लिंक्ड न्यूज क्लिक केस, जो FIR लिंक है न्यूज क्लिक केस से एड फॉर चाइनीज कंपनीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो क्या है, फॉलो डाल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिया इंडियन लॉ सेज इन्वेस्टर। देखो डेली पुलिस हैव लेवल्ड अ वाइड रेंज ऑफ द चार्जेस इन देयर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यहाँ पे जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा अगेंस्ट न्यूज क्लिक, तो इसमें क्या बोला गया है, अगेंस्ट न्यूज क्लिक फाउंडर प्रवर पुरकाश्य था अमेरिकन मिलियनियर नवेली रॉय सिंघम सेड द एक्टिविस्ट गौतम नवलखा अ शेयर होल्डर ऑफ द न्यूज क्लिक हु इज प्रेजेंटली अंडर द हाउस अरेस्टेड इन द अक्यूज्ड इन अ टेरर केस। दीज थ्री इंडिविजुअल्स हैव बीन नेम्ड एज द अक्यूज्ड इन FIR। सम ऑफ द चार्जेस आर conspiring to provide legal aid to the Chinese telecom company such as Xiaomi and Vivo। तो यहाँ पे legal aid दी जा रही थी। देखिए स्टूडेंट क्या बोला जा रहा है, जरा यहाँ देखते हैं। Some of the charges are conspiring to provide legal aid। मतलब यहाँ पे कानूनी सहायता दी गई है कुछ टेलीकॉम कंपनी जो है चाइना की, जैसे Xiaomi हो गई एंड Vivo हो गई, which are facing a tax evasion cases in India, acting against the national interest by promoting a false narrative against the India pharmaceutical industry and the policies of the government in cohort with the anti-national forces, inciting, supporting, funding the farmer agitation with the objective of the creating law and order problem and causing a huge loss of the several hundred crores to the Indian economy and publishing a news funded by the money clandestinely routed from China। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात यही बोली जा रही है कि बहुत सी टेलीकॉम कंपनीज यहाँ पे Xiaomi और Vivo जैसी ये भी इन्वॉल्व थी और पीछे दरवाजे से बैकडोर से ये कोशिश की गई हमारे देश में जो एजिटेशन है वो बढ़े और इस तरीके से गवर्नमेंट को काफी बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो, करोड़ों का नुकसान हो। यहाँ पे ये कोशिशें की गई हैं दूसरी ताकतों के द्वारा, तो हमारे देश के जो इंटरनल मैटर्स हैं वहां पे स्टूडेंट इंटरवीन करने की कोशिश की है, उनमें टांग अड़ाने की कोशिश करी गई है और जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में बोला गया है यानी FIR में बोला गया है। अब कितनी सच्चाई है ये तो आगे दिनों में पता लगेगा। यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट क्या दिया इन्होंने कॉलम में, लिखा न्यूज क्लिक इन्वेस्टर वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग है सेड दैट इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लॉ। फिर इंडियन लॉ को हमने बिल्कुल फॉलो किया बिफोर इन्वेस्टिंग इन द न्यूज पोर्टल इन 2018 एंड दैट फॉल्स एलिगेशन कंटिन्यू टू सर्कुलेट डिस्पाइट ऑल द फैक्ट इट हैड गिवन टू द इंडियन अथॉरिटीज बेस्ड
आठ पे हम लोग इसके बारे में और देखेंगे। तो स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि न्यूज क्लिक एक मीडिया आउटलेट था, इसके खिलाफ यहाँ पे कुछ एलिगेशन लगाए गए बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ये एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहे हैं, और इसके बाद स्टूडेंट इनके प्रिमाइस को सर्च किया गया, इनका लैपटॉप फोन को सीज कर लिया गया है और FIR यहाँ पे दर्ज की गई है। फर्स्ट FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट स्टूडेंट यहाँ पे उसको रजिस्टर किया गया है, जिसमें यह बात बोली गई है कि यहाँ पे कुछ टेलीकॉम कंपनीज की चाइना की जो है वो इन्वॉल्व है, और ये मीडिया आउटलेट था जो कि प्रोपेगेंडा करता था, मतलब हमारे इंडिया के खिलाफ काम करता था। यहाँ पे जो बाहरी ताकतें हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना चाह रही हैं, इकोनॉमिक लॉस पहुंचाना चाह रही हैं, तो उनकी ये मदद करते थे। अब देखो कितनी सच्चाई इसमें निकल के आती है, ये देखा जाएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर सच में ऐसा हो रहा तब तो स्टूडेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम लेना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो ये एक बहुत ही गलत बात है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दैट इज अवर फंडामेंटल राइट, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। आवाज चारों कोनों से आने चाहिए, चाहे जैसी हो आवाज स्टूडेंट हर कॉर्नर से आनी चाहिए, और जब नेगोशिएशन होगा, प्रॉपर डिस्कशन होगा, तभी जाके हम एक हेल्दी इंडिया, एक हेल्दी डेमोक्रेसी का निर्माण कर सकते। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिक्किम फ्लड टूल राइजेस टू 25 सर्च ऑन फॉर 143 मशीन। तो सिक्किम में आपको पता है कि फ्लैश फ्लड आया, यहाँ पे स्टूडेंट जो है एक लेक थी जो कि ग्लेशियर लेक थी, है ना, लोहान लेक थी स्टूडेंट जो कि ग्लेशियर लेक थी, वो अचानक से फट गई, डिस्टर्ब हो गई, उसकी दीवारें टूट गई और उसमें से जो पानी निकला बहुत तेजी के साथ में, वो पानी चला गया तीस्ता रिवर में। अब जैसे ही तीस्ता रिवर में पानी गया तो यहाँ पे स्टूडेंट तीस्ता रिवर में बाढ़ आ गई, और उसके किनारे जो भी लोग रह रहे थे, जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गया। यहाँ पे क्या लिखा है, सिक्किम फ्लड टूल राइजेस 25 एंड सर्चेज ऑन फॉर 143 मिसिंग। 25 लोग अभी तक तो खत्म हो चुके हैं, सेना के कुछ जवान स्टूडेंट इसमें हैं 21 के करीब, वो भी मिसिंग है, और 143 लोग अभी यहाँ पे मिसिंग है। ये चीज है, तो देख लेते हैं ये न्यूज क्या है, किस प्रकार कैसी न्यूज है, जरा इधर से ही इसे देखते हैं। देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है स्टूडेंट कि आर्मी एंड द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम हैव रिकवर्ड 25 बॉडीज इंक्लूडिंग 2 ऑफ द 7 आर्मी मैन। अरे भाई, 7 इसमें हमारे सेना के जवान शहीद हो गए, 25 लोग इनोसेंट मर गए, 7 आर्मी मैन फ्रॉम द श्लस एंड डेब्रीज ऑफ द फ्लैश फ्लड एंड विच स्विप्ट थ्रू द तीस्ता रिवर इन द सिक्किम एंड ऑफिशियल सेड ऑन द फ्राइडे। लिखा है द फ्लड एंड विच वॉज ट्रिगर्ड बाई ए क्लाउड ब्रस्ट इन द अर्ली आवर्स ऑफ द वेडनेसडे आल्सो रिजल्टेड इन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गोइंग मिसिंग, ऑफिसर्स सेड 143 आर स्टिल मिसिंग एंड दो सम 2413 पीपल हैव बीन रेस्क्यूड एंड आर इन अ शेल्टर्स एंड सिक्किम चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग अनाउंस्ड एक्स ग्रेशिया कम पेंशन ऑफ 4 lakh टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइड इन द फ्लैश फ्लड। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट मदद पहुंचाएगी ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो तो है ही, लेकिन इनोसेंट पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। इस तरीके से हमारे कुछ जवान भी वीरगति को प्राप्त हो गए स्टूडेंट यहाँ पे, इस तरीके के अनफॉर्चुनेट इवेंट में उनकी भी जान चली गई। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, ये भी न्यूज है, वो हमारी कंटिन्यू होगी ऑन पेज 8। थोड़ा और देख लेंगे इसके बारे में क्या है। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे सभी न्यूज़ें यहाँ पे देखी, FIR और ये भी देख लिया, ये जो कॉर्नर में न्यूज थी इसको भी देख लिया स्टूडेंट। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के जरा देखते हैं कि और आगे जो है न्यूज क्या दी गई है, जरा देखते हैं। सोशल मीडिया टोल रिमूव द चाइल्ड अब्यूज कंटेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये कॉर्नर में जो न्यूज दी है इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि सोशल मीडिया टोल, सोशल मीडिया को ये बात बोली गई है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सभी सोशल मीडिया आउटलेट है। सोशल मीडिया टोल टू रिमूव द चाइल्ड अब्यूज कंटेंट, चाइल्ड अब्यूज जो कंटेंट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर जो कंटेंट है, चाइल्ड मोलेस्टेशन को लेकर जो कंटेंट है, इसको हटा दीजिए। क्या लिखा, यूट्यूब टेलीग्राम एंड एक्स यानी ट्विटर हैव बीन टोल्ड टू
proactively filter the child sexual abuse material out on the Indian Internet and the Ministry of Electronics, Information Technology said on Friday. यानी जो हमारी मेईटी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साफ शब्दों में बोला है कि इंडियन इंटरनेट से ये सारी चीजें गायब करिए, हटाइए। थोड़ा और स्ट्रॉन्ग टर्म में बोलना चाहिए था, क्योंकि इतनी आसानी से ये मीडिया आउटलेट्स, सोशल मीडिया आउटलेट सुनने वाले नहीं है। आगे देखिए स्टूडेंट क्या है, पाक जर्नलिस्ट अवेट वीजा फॉर द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं इनको वीजा अभी तक नहीं मिला है रिपोर्टिंग के लिए। वीजा भाई मिलना चाहिए, जिससे कि फ्री स्पीच और जर्नलिस्ट दुनिया भर के हैं वो आए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। मान लो जर्नलिस्ट आके यहाँ पे राजनीति करने लगे, अनाप शनाप क्वेश्चन पूछने लगे, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, जैसा कि हुआ था, वो भी गलत है। तो यहाँ पे ऐसे जर्नलिस्ट को तो बुलाना चाहिए जिनका अपना इंटरनेशनल एक स्टेचर है, जो जर्नलिज्म, फ्री एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए जाने जाते हैं, तब तो सही बात है, है ना। वो जिनका माइंड ही सेट अलग है, तो वो ऐसे जर्नलिस्ट को यहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए। दोनों बातें स्टूडेंट, तो मतलब हमको सोच समझ के फूंक फूंक के कदम आगे रखना है, और इसलिए स्टूडेंट हो सकता को डिले हो गई हो प्रोसेस। दोनों बातें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी स्टिल अवेटिंग द वीजा क्लियरेंस फॉर द मीडिया कॉन्टिजेंट एंड द फैंस टू द ट्रेवल टू द इंडिया फॉर द ऑन गोइंग 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ओपेंड इट्स वर्ल्ड कप कैंपेन अगेंस्ट द नीदरलैंड एट द राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हियर। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है स्टूडेंट हैदराबाद में, अगर मैं सही हूँ, तो यहाँ से जो है पाकिस्तान अपना मैच खेल रहा है। वर्ल्ड कप कैंपेन अगेंस्ट द नीदरलैंड एट द राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हियर एंड द जर्नलिस्ट फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री वर नॉट प्रेजेंट टू कवर द गेम नॉर वर देयर फैंस। तो कोई पाकिस्तान का फैन नहीं था, कोई उनका जर्नलिस्ट नहीं था, ये बात न्यूज़पेपर लिख रहा है। मोहम्मद बशीर, बेटर नोन एज द बशीर चाचा, वाज द लोन पाकिस्तानी सपोर्टर प्रेजेंट इन द रेजिडेंट ऑफ द, लिखा है शिकागो, मिस्टर बशीर लैंडेड इन द सिटी अ वीक एगो एंड गो हिज टिकट फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द पाकिस्तानी टीम एंड अकॉर्डिंग टू द पीसीबी सोर्सेस मेनी ए 60 जर्नलिस्ट है अप्लाइड फॉर द इंडियन वीजा। एंड आगे क्या लिखा है स्टूडेंट, स्पोर्ट स्टार इज द पोजेशन ऑफ पाकिस्तान मीडिया एक्रीडिटेशन लिस्ट मेल टू द हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन बाई द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। टिल नाउ देर इज नो वर्ड अबाउट द वीजा इन द वर्ल्ड कप। और आगे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है अबाउट द वीजा एंड द वर्ल्ड कप हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड बट वी आर स्टिल होपिंग दैट द इंडियन गवर्नमेंट क्लियर द वीजा पीसीबी सोर्सेस टोल्ड द स्पोर्ट स्टार फ्रॉम द कराची। ये सारी बातें हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या लिखा, मोदी रिमेंबर द फार्मर साइंटिस्ट। देखिए स्टूडेंट क्या यहाँ पे न्यूज है, देखते हैं हम लोग। एम एस स्वामीनाथन को यहाँ पर याद किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो क्या लिखा है, मोदी रिमेंबर दैट द फार्मर्स साइंटिस्ट, न्यूज पेज 9 पे लोग हम लोग चलेंगे, देखेंगे एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में और मोदी जी के क्या विचार हैं, मोदी जी ने कैसे उनको रिमेंबर किया, देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए स्टूडेंट अच्छी न्यूज है, देखो यहाँ देखो, डबल डिलाइट हमारे देश के लिए, डबल डिलाइट है यहाँ पे, मतलब खुशी जताने का यहाँ पे डबल चांस है, डबल डिलाइट है। हरमनप्रीत सिंह लेफ्ट फ्रॉम द फ्रंट विद 2 गोल, इंडिया स्वाम्प जापान 5-1 टू रीगेन द एशियन गेम्स हॉकी गोल्ड एट हांगजू ऑन फ्राइडे। जापान को हरा के स्टूडेंट यहाँ पे इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, भाई खुशी की तो बात होनी चाहिए, गोल्ड मेडल स्टूडेंट यहाँ पे जीता है। ट्रायंफ ऑल्सो इंश्योर्ड द ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन टू द पेरिस ओलंपिक नेक्स्ट ईयर। अब इंडियन जो हॉकी टीम है इसने ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन, मतलब खुद ही क्वालिफाई कर लिया, अब पेरिस जो ओलंपिक होगा उसके लिए इंडियन हॉकी टीम क्वालिफाई कर चुकी है। ये चीज है, यहाँ पर टिकट इनका पक्का हो गया है। आगे देखिए स्टूडेंट क्या है, न्यू मालदीव प्रेसिडेंट। देखो ये न्यूज तो हम लोग कवर ही कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये न्यूज देख लीजिए, थोड़ी पॉजिटिव न्यूज है।
थोड़ी पॉजिटिव न्यूज है हम लोगों के लिए, अभी कितनी पॉजिटिव है आने वाले दिनों में पता लगेगा। देखा न्यू मालदीव प्रेसिडेंट वांट बी एंटी इंडिया और द प्रो चाइना नसीद अब्दुल्ला अमीन स्टूडेंट, ये जो प्रेसिडेंट है 2014 से 18 तक इनके प्रेसिडेंसी के दौरान हमारा जो मालदीव के साथ संबंध था वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे, क्योंकि बहुत ही हैवीली टिल्टेड टुवर्ड चाइना। ये ऐसे प्रेसिडेंट थे जो बहुत ही ज्यादा टिल्टेड थे, बहुत ही ज्यादा बायस थे, है ना, इन फेवर ऑफ चाइना अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के बहुत ही खिलाफ थे। इन्हीं के एक प्रॉक्सी व्यक्ति हैं, ये माले के गवर्नर भी थे जो इस समय प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद म्यूजू। तो मोहम्मद म्यूजू ऐसा माना जा रहा है कि प्रो चाइना होंगे और इंडिया के खिलाफ ही इनके स्टेप होने वाले हैं। तो स्टूडेंट इस बात को मना किया गया है यहाँ पे नसीद के द्वारा, मोहम्मद नसीद, ये 2008 में प्रेसिडेंट थे मालदीव के, है ना, ये भी कुछ समय के लिए प्रो चाइना हो गए थे, बाद में खैर इनका भी दिमाग सुधरा, और सुधरा क्या, इनके खिलाफ जब स्टेप लिए मोहम्मद यामीन ने, तब स्टूडेंट जो है इन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी थी, और इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे ये प्रो चाइना नहीं होंगे और ना तो ये प्रो इंडिया होंगे, एक अच्छे प्रेसिडेंट होंगे, ये बात बोली है। तो क्या बोला है, न्यू मालदीव प्रेसिडेंट वॉन्ट बी एंटी इंडिया और प्रो चाइना, फिर न्यू प्रेसिडेंट ना तो एंटी इंडिया होंगे ना जो है प्रो चाइना होंगे। न्यू मालदीव प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रांजिशन टीम होप्स टू इन्वाइट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ मालदीव। म्यूजू इन माले नेक्स्ट मंथ सेज द मालदीव स्पीकर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद in an interview to the Hindu or Mr. Nasheed, and who has broken away from outgoing president Ibu Sholi, likha hai the Maldivian Democratic Party to form his own party and which could join the incoming government, and said student yahan pe kya likha hua hai, and said that he would also send the invitation to the Modi and Modi perhaps the प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इनको इन्वाइटेशन भेजने के बाद यहाँ पे की जा रही है मोदी फॉर द सेरेमनी एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड ऑन नवंबर 17 इन द स्ट्रेस हिज बिलीव दैट द न्यू मालदीवियन प्रेसिडेंट वुड नॉट बी एंटी इंडिया और प्रो चाइना, कि जो नो न्यू मालदीवियन प्रेसिडेंट है ये तो ना तो एंटी इंडिया होंगे ना प्रो चाइना होंगे। और आगे लिखा है एज ही हैज जनरली बीन portrayed in a recent commentary, Mr. Modi had attended Mr. Soli's swearing in ceremony in 2018, a rare gesture that he has not made for any other leader in the neighborhood thus far. यहाँ पे क्या लिखा, Dr. Mujus, the former mayor of the Male and who campaigned on a sovereignty plank in the election, had served in Yameen government as a minister for housing and were responsible for the many of the infrastructure project in the Chinese companies, likha hai one at time, and the leading to the impression that he will follow the policies that had earlier strained ties with India. To is tarike se unhone ye bola hai ki aap ye mat assume kariye ki is samay jo president elect hue hain Maldives ke ye pro China honge aur India ke khilaf। आल्दो ये जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जब जिस समय मोहम्मद यमीन अब्दुल्ला अमीन शायद नाम था उनका, अब्दुल्ला अमीन जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे जो कि बहुत ही चाइना के फेवर करते थे, हैवली टिल्टेड इन फेवर ऑफ चाइना, उनके समय मिनिस्टर भी थे और बहुत सी ऐसी पॉलिसीज जो बनाई गई उस समय जो कि प्रो चाइना थी उनमें इनका कंट्रीब्यूशन भी रहा। तो ये अगेन ये तो नेचुरल अजम्पशन है ये प्रो चाइना ही होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द इंटरनेशनल मीडिया हैज करैक्टराइज आवर इलेक्शन एज बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड आल्सो करैक्टराइज डॉक्टर म्यूजू एज प्रो चाइना। आई डोंट थिंक ऑल दिस वाज एग्जैक्टली ट्रू, मिस्टर नसीर सेड इन द क्लेमिंग दैट द इंडिया आउट कैंपेन स्टार्टेड बाय द प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव व्हिच इज पार्ट ऑफ द रूलिंग कोलिजन वाज नॉट द मेन इलेक्शन इशू, एंटी इनकंबेंसी वाज द चीफ रीजन फॉर द MDP's loss in the presidential runoff poll held last Saturday, the former president said. तो एंटी इनकम्बेंसी रही ये उनके द्वारा बोला जा रहा है और ऐसा नहीं होगा कि वो प्रो इंडिया या अगेंस्ट इंडिया या प्रो चाइना होंगे। चलो भाई ऐसे ही हो, हम कहाँ कह रहे हैं,
कि हमारे कोई बहुत फेवर कर दे, हम ऐसा भी नहीं चाह रहे कि एकदम चाइना की गोद में जाके कोई बैठ जाए। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल रहिए, एज अ कंट्री प्रोग्रेस करिए, हमें क्या प्रॉब्लम है, है ना भाई। स्ट्रेटेजिक थ्रेट हमारे लिए है वो बात हम बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नोबेल पीस प्राइज 2023 गोज टू द जेल्ड ईरानियन एक्टिविस्ट नरगेस मोहम्मदी। आज के द हिंदू में आज का जो करंट अफेयर का सेशन था स्टूडेंट, उसमें हमने आर्टिकल कवर भी किया था कि इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो किसको दिया गया है। ये ईरान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, स्पेशली अपनी बात जो है वो महिलाओं के फेवर में, वुमेन राइट के लिए जो है उठाती हैं। तो स्टूडेंट इनको यहाँ पे इस बार का जो पीस प्राइज है वो दिया गया है। देखो क्या लिखा है, नोबेल पीस प्राइज 2023 गोज टू द जेल्ड ईरानियन एक्टिविस्ट नरगेस मोहम्मदी। इस समय जेल में है, मतलब जेल में है इस समय ईरानियन एक्टिविस्ट मोहम्मद, क्या नाम इनका नाम है, नरगेस मोहम्मदी। तो इनको स्टूडेंट ये अवार्ड दिया गया, पीस प्राइज यहाँ पे दिया गया। देख लेते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा इम्प्रिजन ईरानियन एक्टिविस्ट नरगेस मोहम्मदी वन द नोबेल पीस प्राइज ऑन फ्राइडे इन रिकॉग्निशन ऑफ हर टायरलेस कॉम्पेनिंग फॉर वुमेन्स राइट इन द डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट द डेथ पेनाल्टी। डेथ पेनाल्टी मतलब इनको यहाँ पे स्टूडेंट मृत्युदंड दिया गया है, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूसली जो है सी इज स्ट्राइविंग हार्ड, सी इज डूइंग हर वर्क हार्ड इन फेवर ऑफ द वुमेन राइट, वुमेन राइट के लिए अपनी आवाज को जो है लगातार उठा रही है। मिस मोहम्मदी 51 हैज केप्ट अप हर एक्टिविज्म डिस्पाइट द रूमर्स अरेस्ट बाय ईरानियन अथॉरिटीज एंड स्पेंडिंग ईयर्स बिहाइंड द वार, शी हैज रिमेंड अ लीडिंग लाइट फॉर द नेशन वाइड वुमेन लेड प्रोटेस्ट स्पार्क बाय द डेथ लास्ट ईयर ऑफ 22 ईयर ओल्ड वुमेन इन पुलिस कस्टडी। 22 साल ओल्ड एक महिला थी जो वुमेन कस्टडी पुलिस कस्टडी में मार दी गई। और लिखा दिस प्राइज इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ रिकॉग्निशन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द होल मूवमेंट इन ईरान विद इट्स अनडिस्प्यूटेड लीडर नरगेस मोहम्मदी सेड द वेरिटनेस एंडर्शन द चेयर ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी हु अनाउंस द प्राइज इन ओस्लो। आगे लिखा है सी सेड द कमेटी होप्स द प्राइज इज एन encouragement to the continue to work in whichever form this movement find to be fitting. She also urged Iran to release the Miss Mohammadi in time for the prize ceremony on December 10. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब December 10 को prize ceremony जो prize दिया जाए तो आप इनको release कर दीजिए तब तक। ये बात बोली गई ईरान की government से। In a statement to the New York Times, Miss Mohammadi said the global support and the recognition of the my human right advocacy makes me more resolved, more responsible, more passionate and more hopeful. Aage likha the victory is near. I also hope this recognition makes the Iranian protesting for the change stronger and the more organized. Yet victory is near. Ab inhone kaise baat kari agar jail mein hai. Miss Mohammadi an engineer by training and has been in prison 13 times. Convicted 5 times and according to the Miss Rai Anderson in a total she has been sentenced to 31 year in prison and her most recent incarceration began when she was detained in 2021 after attaining a memorial for a person killed in a protest sparked by the increase in the gasoline price. And she has been held a Tehran's Abin prison and her brother Hamid Reza Mohammadi said he has not been in touch with his sister but that the prize means a lot to her. So, matlab prize ek bahut bada moral booster hoga aise women activist ko. Engineer by background, engineer hai by profession. So, matlab पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तभी तो अपनी वॉइस एक अच्छे काज के लिए आगे रख रहे हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से डिटेन करना दैट इज इलीगल, गलत है। मिस्टर मोहम्मदी लिखा मिस मोहम्मदी इज द 19th वुमेन टू विन द नोबेल पीस प्राइज एंड लिखा सेकेंड ईरानियन वुमेन आफ्टर द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट शिरीन एवादी वन द अवार्ड इन 2003 2013 2000
2003 में स्टूडेंट एक और ईरानियन एक्टिविस्ट है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, उसके बाद ये दूसरी महिला है जिनको ये नोबेल प्राइज यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने यहाँ पे देख लिया, फ्रंट पेज हमारा कवर हुआ कि क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज है। हाउ अ विलेज इन बिहार बिकम अ मिनी पंजाब, बिहार का एक जो विलेज है मिनी पंजाब कैसे बन गया है, ग्राउंड जीरो पे सेवन देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो अब सीधा हम लोग चलेंगे स्टूडेंट हम इधर न्यूज कॉलम में, देखते हैं हमारे न्यूज कॉलम में यहाँ पे आज के पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। स्ट्रिक्टली फॉलोड ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ न्यूज क्लिक इन्वेस्टर, न्यूज क्लिक इन्वेस्टर ने यह बात बोली है कि हमने सारे लॉ को यहाँ पे फॉलो किया है। NYT failed to include the PSP's categorical denial of the foreign funding and left leader to believe that the source of the funding might have come from the China rather than from the sale of hard works. ये सारी बातें यहाँ बोली हैं। फिर लिखा है respond to the plea of the court founder HR official SC to police, और यहाँ लिखा है SC refused to stake a survey, ये देख हम देख चुके हैं, न्यूज क्लिक वाला स्टूडेंट हमने देख लिया था। सिक्किम फ्लड टूल राइजेस 25 सर्चेस कंटिन्यूज, यहाँ लिखा वाइस प्रेसिडेंट टूर प्लांट केयरफुली एंड इन एडवांस, लिखा वाइस प्रेसिडेंट टूर प्लांट केयरफुली एंड इन एडवांस धनकर, तो लिखा है तो धनकर टेक्स बेल्ट शूट आफ्टर द राजस्थान सीए क्वेश्चन हिज फ्रीक्वेंट विजिट टू द कोल बाउंड स्टेट। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट क्या है धनकर टेक्स a belt shoot after the Rajasthan CM question his frequent visit to the pole bound state, Rajasthan ke chief minister hain inhone jo vice president hain inse pucha ki aap bar bar Rajasthan kyon ja rahe hain kya iske piche karan hai, to yahan pe safai bhi hai vice president ne apne likha 3 weeks before the election response from the Rajasthan hain। dekhiye student yahan pe zara ye article dekhiye kya likha hai, 3 weeks before election SC seeks response from Rajasthan and Madhya Pradesh, जो freebies culture है ना ये बहुत ही खराब culture है। जैसे election होने जा रहा है किसी भी state में, जो political party power में है या जो power में आना चाहती है वो बहुत 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 बड़े बड़े वादे करती है कि हम आएंगे तो free में आपको laptop दे देंगे, and हम आएंगे तो हर citizen को यहाँ पे 500 रुपये महीना दिया जाएगा, हम आएंगे तो हर महिला को यहाँ पे 2500 रुपये महीना उनके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, फ्री में एक मैक्सी मिल जाएगी, दो चार साड़ियाँ दे दी जाएंगी। अब आप बताइए स्टूडेंट ये आएगा कहाँ से, इतना पैसा इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ से लाओगे, ये चीज़ पॉलिटिकल पार्टी नहीं बताती, ये नहीं बताती कि एक्चुअली हम पैसा कहाँ से लाएंगे, फ्रीबीज तो बोल देते हैं लेकिन फ्रीबीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे ये बात नहीं बोली जाती। इससे क्या होता है कि आप ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को जनता भी वोट कर देती है, लेकिन स्टूडेंट आप बताओ कि कोई अपने जेब से नहीं देने वाला है, जो भी दिया जाएगा स्टूडेंट अल्टीमेटली वो लिया भी हमी से जाएगा, बर्डन हमी पे आना है, और इससे जो प्रोग्रेसिव थॉट है वो हैम्पर होती है, आगे स्टूडेंट जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ये अननेसेसरी चीजों में दिमाग लग जाता है, ये बहुत ही गलत चीज है, इससे हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी लंबे समय। ऐसा कांग्रेस कर रही है, ऐसा बीजेपी कर रही है, ऐसा सभी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, किसी को देश की परवाह नहीं है, सब अपना अपना हित देख रहे हैं। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑन द फ्राइडे शाउट अ रिस्पांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश राजस्थान ऑन द प्ली दैट पब्लिक फंड आर द बीइंग मिसयूज्ड टू ऑफर द इरेशनल फ्रीबीज हेड ऑफ द इलेक्शंस, ये इरेशनल फ्रीबीज देने का कल्चर छोड़िए, मुफ्त में कुछ मत दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो लॉन्ग रन में विकास होगा, लोग जो है खुद ही इतने कैपेबल होंगे कि वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, सबको फ्री में एक मछली दे दो, इससे ज्यादा अच्छा है कि सबको ये सिखा दो कि कैसे मछली पकड़ते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज है यहाँ पे क्या है, हमको सिखाना चाहिए, हमको ये बताना चाहिए कि कैसे एक्चुअली हम पॉवर्टी से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं, कैसे हम एक रिच पर्सन बन सकते हैं, कैसे हम अपनी गरीबी को पीछे छोड़ सकते हैं, हम कैसे एजुकेशन अटेंड कर सकते हैं, कैसे समाज में बदलाव, ये चीजें करनी चाहिए, इसके छोड़ के पॉलिटिकल पार्टी सीधा ऑप्शन चूज करती हैं कि कैसे हम वोट ले सकें, कैसे लोगों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और यहाँ पे फ्रीबीज जो है ये बहुत ही गलत एक ऑप्शन है। अ बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड एंड जस्टिस जे बी पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा also issued a notice also
issued a notice, also issued a notice on the center in the election commission and the Reserve Bank of India on PIR petition, and which also alleged that the taxpayers' money are misused by the two state government to lure the voters. आगे क्या लिखा स्टूडेंट, बोथ द स्टेट आर द ड्यू फॉर असेंबली पोल 2023, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में इलेक्शन होने हैं. बिफोर इलेक्शन ऑल द काइंड ऑफ द प्रोमिसेस आर मेड, कैन बी द कोर्ट कंट्रोल देम. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ आज द एडवोकेट बीरेंद्र शर्मा एंड द काउंसिल फॉर द पिटिशनर बितुलाल जैन. लिखा है द पिटिशनर हैज आर्ग्यूड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन of the irrigational freebies using the money from the consolidated fund before the election to lure voters was analogous to the offenses of the bribery and the undue influences under section 171B 171C of the Indian Penal Code. और स्टूडेंट हमारा जो ये एक्चुअली इलेक्शन है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो कहां पाता है? जब आप इस तरीके से फ्रीबीज को ऑफर करते हो तो यहाँ पे जनता क्या रेशनल डिसीजन ले पाती है कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने कितना अच्छा हमारे लिए काम किया, अगर ये पावर में आएंगे तो कितना अच्छा काम करेंगे? ये कुछ नहीं देखते लोग. फ्रीबीज मतलब ये हुआ, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को भी बाधित करता है. ये बहुत ही एक गलत चीज है. दिस इज अ मेनस दैट इज इंट्रोड्यूस टू द सोसाइटी और इसके हम लोग आदि होते जा रहे हैं. ये नहीं होना चाहिए. आगे बढ़ेंगे हम लोग. तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी. तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे ये कुछ न्यूज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, रिस्पॉन्स सपोर्टर काउंटर एचआर ऑफिशियल, तो ये चीजें स्टूडेंट हमने देख ली. इलेक्शन कमीशन ब्रीफ ऑब्जर्व्स ब्रीफ ऑब्जर्वर्स हेड ऑफ द पोल सीजन. इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे देखिए, जो हमारा इलेक्शन कमीशन स्टूडेंट यहाँ पे उसने ब्रीफ किया है, बताया है. आर्टिकल 324 हमें याद आ रहा है, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है. देखो क्या लिखा है यहाँ पे. Head of the assembly elections in the Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan, Telangana Election Commission on Friday conducted a briefing sessions for the around 1180 observer who will monitor the polls to ensure the process is free and fair. A day long meeting aimed to streamline the strategy to ensure that the model code is implemented effectively, a senior election commission officer said. And electoral observers, including a general public and the expenditure observer, and are drawn from the IAS and IPS and the IRS and other services from across the country. And addressing a briefing session here, the Chief Election Commissioner Rajiv Kumar directed. ये सारी इसके बातें हैं. राजीव कुमार इस समय Chief Election Commissioner हैं. और स्टूडेंट दो हमारे देश में सबॉर्डिनेट इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं. इन तीनों की पावर में कोई अंतर नहीं है, तीनों के बराबर पावर है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर दो सबॉर्डिनेट इलेक्शन कमिश्नर है, तीनों के पावर में कोई अंतर नहीं है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबॉर्डिनेट इलेक्शन कमिश्नर को जो है एक एडवाइस है, उसकी एडवाइस पे सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है सबॉर्डिनेट इलेक्शन. तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बात, स्पेशल प्रोविजन सच इन होम वोटिंग एंड एक्सेसिबल पोलिंग स्टेशन लिखा है. यहाँ पे क्या लिखा सुनिए, देखिए. ही सेड द कमीशन वाज कंसंट्रेटिंग ऑन द प्रेजेंटिंग अ ह्यूमन फेस बाय फैसिलिटेटिंग द इंक्लूडिंग द पीपल विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन अबव 80 ईयर एंड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोविजन सच इन द होम वोटिंग एंड एक्सेसिबल पोलिंग स्टेशन. लिखा है इंस्ट्रक्टिंग द ऑब्जर्वर टू मॉनिटर द सोशल मीडिया एंड इंश्योर द करेक्टिव एक्शन. इलेक्शन कमीशन अनुप चंद्रा पांडे सेड इन इलेक्शन शुड नॉट ओनली बी फेयर बट मस्ट बी सीन टू बी फेयर एंड सीनियर ऑफिशियल ऑफ द कमीशन आस्क टू ब्रीफ द ऑब्जर्वर ऑन इम्पोर्टेंट थीम्स रिलेटेड टू इलेक्शन. ये सारी बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं. देखिए स्टूडेंट आगे क्या लिखा हुआ, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं. लिखा पवार मीट्स खड़गे राहुल टू डिस्कस अबाउट इंडिया. तो यहाँ पे जो खड़गे हैं, क्योंकि कांग्रेस के सिंगल लीडर हैं, राहुल गांधी ये भी लीडर हैं, तो इन दोनों लीडर से यहाँ पे जो है वो पवार जी मिले हैं कि इंडिया जो ग्रुप है इसके बारे में बातचीत करी गई है. बीजेपी कॉलिंग राहुल न्यू एज रावण, लिखा स्पर्श प्रोटेस्ट.
न्यू एज का रावण है ऐसा बीजेपी बोल रही है। तो ये स्टूडेंट पोलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगा रहे हैं, हमारे काम का नहीं है। पाक जर्नलिस्ट अबेट बीजास पर द वर्ल्ड कप, न्यू मालदीव प्रेसिडेंट बॉन्ड भी एंटी इंडिया, ये बातें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। इस तरीके से स्टूडेंट हमने इस पेज को अच्छे से देखा। चलते हैं यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन पे, जरा यहाँ देखते हैं हमारे काम का क्या है। जल्दी से एडिटोरियल पेज को कवर करके फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के स्टूडेंट इंपॉर्टेंट न्यूज अपने लिए देखेंगे और फिर न्यूज पेपर हमारा डिस्कशन फिनिश हो जाएगा। न्यूज पेपर डिस्कशन है तो दिस इज एक्सपेक्टेड एंड दिस इज ऑलवेज हैपेंड कि दिस डिस्कशन थोड़ा हमारा लंबा हो जाता है, मोर देन वन आवर, और होना भी चाहिए क्योंकि हम पूरा न्यूज पेपर यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। रेवेन्यू डिटेल्स क्या है, अमीड अ ब्रॉडली हेल्दी जीएसटी इनफ्लो सम ट्रेंड नीड ग्रेटर स्क्रूटनी। तो स्टूडेंट इकोनॉमी रिलेटेड हमारा आर्टिकल है, क्या बोलता है जरा देखते हैं। लिखा हाफ वे थ्रू द फाइनेंशियल ईयर, हाफ वे थ्रू द फाइनेंशियल ईयर इंडिया ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स एंड द सर्विसेज टैक्स स्टैंडर्ड 9.92 लाख करोड़ एंड मार्किंग द 11.1% इंक्रीज ओवर अ कलेक्शन बिटवीन द अप्रैल एंड सितंबर 2022। एवरेज मंथली रेवेन्यू इज 2023-24 आर द हेल्दी 1,65,418 करोड़ विद द फोर, लिखा फोर विद द फोर ऑफ द सिक्स ओकेजंस दैट जीएसटी किटी हैज अक्रॉस्ड। सारी बातें स्टूडेंट जीएसटी के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई हैं जो कि हम पढ़ेंगे नहीं। आप लोग इसको पढ़िएगा, देखिएगा यहाँ पे, देखो क्या लिखा है। देख लेते हैं स्टूडेंट हम लोग, लिखा वो अ वार्निंग शूट फॉर कमिटिंग द क्राइम ऑफ जर्नलिज्म। देखो क्या लिखा, अ वार्निंग शूट फॉर कमिटिंग द क्राइम ऑफ जर्नलिज्म, एक वार्निंग शूट है फॉर कमिटिंग अ क्राइम फॉर जर्नलिज्म। क्या लिखा, इन एन इंटरव्यू टू द बीबीसी शॉर्टली आफ्टर द गुजरात प्रोग्राम ऑफ 2002, क्या लिखा, इन इंटरव्यू टू द बीबीसी शॉर्टली आफ्टर द गुजरात प्रोग्राम 2002, चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज आस्क्ड, व्हेन यू लुक बैक डू यू थिंक देयर इज एनीथिंग यू शुड हैव डन डिफरेंट। जब आप पीछे देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कोई भी काम आप उसको अच्छे से कर सकते थे, अलग तरीके से कर सकते थे। हिज रिस्पॉन्स वाज क्लियर एंड अनबर्निस्ड, yes one area where I was very weak and that was how to handle the media। तेरा एक ऐसा area जहां पे मैं बहुत ही कमजोर था, जो हमें अच्छे से करना चाहिए था, वो था how to handle media। both the question and the answer were the contained in BBC documentary that was world from the being aired in India in 2020। लिखा the raid that followed the BBC offices in Delhi and the Mumbai following the broadcast of the documentary as we are in the world showed that Mr. Modi had learned his lesson well in the 9 year as a prime minister। मतलब मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है, ये राइटर का बोलना है, हम नहीं बोल रहे हैं। लिखा है the warning shoot, if the global giant could be so brazenly smothered by the mother of democracy and is strutting around in her 20 wobbles, the fate that has fallen tiny news clip should not surprise too many। मतलब स्टूडेंट जो न्यूज क्लिप पे जो कार्रवाई हुई है, तो ये जो राइटर है इनका यही बोलना है कि ये अगेंस्ट फ्री मीडिया है। तो हम लोगों के जो विचार है वो क्या है, हमने ऑलरेडी आपसे ये बात बोली है कि अगर यहाँ पे जो भी दोषी है, जो सच्चाई वो आनी चाहिए। फ्री मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अगर फ्री मीडिया को मुजर किया जाता है तो हमारी डेमोक्रेसी सरवाइव कर ही नहीं सकती, ऑटोक्रेसी बन जाएगी उसी दिन। तो बहुत जरूरी है फ्री मीडिया का होना, लेकिन स्टूडेंट हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मीडिया आउटलेट किसी थर्ड पार्टी के बिहेस्ट में बोल रहा है तो ये भी तो हमारे लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। धीरे धीरे हमको सिक्के का एक ही पहलू दिखाया जा रहा है, एक ही साइड दिखाई जा रही है।
हमारा पर्सपेक्टिव ही डेवलप नहीं होगा प्रॉपरली अगर मीडिया हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है। दोनों बातें हैं, सच्चाई क्या है ये तो समय ही बताएगा। इसीलिए स्टूडेंट हम किसी एक साइड को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। क्या लिखा, आफ्टर सिक्योरिंग टू को ऑप्शन कोऑपरेशन इन द कैपिटुलेशन ऑफ द वास्ट चंक ऑफ द बिग मीडिया एंड इमेज ऑफसेस्ट गवर्नमेंट इज टर्निंग द स्क्रू ऑन द पिट प्लेयर्स। मतलब यही बात है कि मीडिया को थोड़ा और ज्यादा वहां पे कवर किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है प्रेजेंट रिजीम के द्वारा। ये बात बोलना है राइटर का, कृष्ण प्रसाद अ फार्मर एडिटर इन चीफ आउटलुक फार्मर मेंबर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, लिखा कंटेम्प्ट बॉर्डरिंग ऑन हेट्रीज। आगे लिखा है अलाइनिंग द हायर एजुकेशन विद द यूनाइटेड नेशंस एसडीजी। जो हायर एजुकेशन है उसको अलाइन कर दीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। हायर एजुकेशन है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से यहाँ पे अलाइन कर दो तो इससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आगे लिखा स्टूडेंट फ्रैक्चर्ड कलेक्टिव। फ्रैक्चर्ड कलेक्टिव मतलब पहले इसको देखिए, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अ सेट ऑफ 17 गोल विद 169 टारगेट दैट ऑल 193 यूएन मेंबर स्टेट हैव एग्रीड टू ट्राई टू अचीव बाय 2030। मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये 17 है और इनके अंदर जो टारगेट है स्टूडेंट ये टारगेट है 169 लगभग 170। तो जितने भी यूएन मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने कसम खाई है इनको 2030 तक हम कवर करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कवर करने की, ये बात है। आगे इसमें क्या लिखा है, लिखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर द मैटर ऑफ द अर्जेंसी एंड द एक्शन बाय ऑल कंट्रीज बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग टू एंड पॉवर्टी एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम शुड अलाइन विद स्ट्रेटजीज दैट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन रिड्यूस इन इक्वालिटी एंड हार्नेस इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ये हुआ कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इन पे काम होना चाहिए, कंट्रीज इसमें अच्छे से काम करें, इनको अचीव करें और इससे जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। दो इट हैज बीन 8 years सिंस द इंसेप्शन ऑफ दीज गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2023 फ्लैग स्लो प्रोग्रेस एंड पेंटेड अ ग्रीन पिक्चर ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट ऑफ द COVID-19 इंपैक्ट ऑन द क्लाइमेट क्राइसिस एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड द बिग ग्लोबल इकोनॉमी। 8 साल हो गए स्टूडेंट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जब से लॉन्च किया गया, तो अभी जो रिपोर्ट आई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे कितना काम हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो बहुत ही खराब है। मतलब कोरोना वायरस जैसा जो पेंडेमिक रहा, जो स्लो ग्रोथ है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और इस तरीके से जो काम होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का वो नहीं हो पा रहा है। लिखा है द लेक ऑफ द प्रोग्रेस, lack of progress toward the goal is a universal experience but it has been a more pronounced in a least developed countries in India despite having a managed the crisis of the global economy and the relatively succeeded in overcoming the challenges posed by the pandemic the suffered a setback in the achieving these goals। मतलब इंडिया जैसा जो देश है जिसने यहाँ पे कोरोना वायरस जो महामारी थी इसको अच्छे से टैकल कर लिया और जो स्लो डाउन है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इससे भी हम ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी प्रोग्रेस है ओवर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये इतना इंप्रेसिव नहीं है राइटर के हिसाब से। लिखा है यहाँ पे नेशनल तो एनईपी 2020 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देखते हैं यहाँ पे नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम, चलो देखते हैं। एट रिसेंट एक्शन एंड द पॉलिसीज इंडिकेट दैट द इंडिया इज कमिटेड टुवर्ड द रियलाइजिंग एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 पार्ट 10 टू एक्सेस इक्वालिटी एजुकेशन। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है ये कहता है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा सबको बराबर मिलनी चाहिए। लिखा इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द अचीवमेंट ऑफ द अदर गोल and India with a long standing history of the equitable and inclusive education has accelerated effort to ensure the achievement of the SDGs through the various reform and among them the national education policy 2020 should be given credit to a great extent। national education policy 2020 has been
असल में स्टूडेंट ये जो एनईपी था ना, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, याद रखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज बीन प्रिपेयर्ड इन ट्यून विद, हैड बीन प्रिपेयर्ड इन ट्यून विद मोस्ट ऑफ द एसडीजीज। मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ज्यादातर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अचीव कर पाए। तो क्या लिखा है, दो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉल फॉर अ चेंज एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, प्रायोरिटी शुड बी अकॉर्डेड टू द हायर एजुकेशन एज इट एक्सीलरेट द सोशल मोबिलिटी एंड एम्पावर द पीपल थ्रू द क्रिएटिविटी एंड द क्रिटिकल थिंकिंग एंड द ग्रांट्स देम एम्प्लॉयमेंट स्किल अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट, यानी OECD के हिसाब से देखा जाए People with the higher education degree are the more employable and earn an average 54% more than those who only have a completed senior secondary education. मतलब वो लोग जिन्होंने केवल प्लस टू किया है, केवल सेकेंडरी एजुकेशन, एक वो लोग जिनके पास हायर एजुकेशन, तो जिनके पास हायर एजुकेशन है वो 54% ज्यादा अर्न करते हैं उन लोगों से जिन्होंने केवल सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त की है। और यहाँ पे स्टूडेंट ये भी बोला जा रहा है कि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है वो हमसे कहता है इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, सबको बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर इस चीज को हमने प्राप्त कर लिया तो शायद बाकी के जो गोल है उनको हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी इंक्लूसिव एजुकेशन दस द बेटर प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट द पॉवर्टी प्रिवेंट देम फ्रॉम द हंगर, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है। Support them for a good health and well-being, Sustainable Development Goal 3. And likha promote gender equality and provide them a decent work and which in turn drives economic growth and reduces the inequalities. Aage likha student, universities should strengthen the research teaching nexus in university education and that way student will become a direct benefactors of the knowledge generated from the research and the multidisciplinary and interdisciplinary system of education, produce the multi-talented people who can pursue the research and the find the innovative solution to global challenges such as affordable and the clean energy, sustainable cities and the communities, and climate change and the global warming, as well as the study their effect on the economy and the earth. तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द पॉसिबली ओनली इफ वी रेडिकली चेंज द वे वी प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। तो जिस तरीके से हम प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरीके से हम कंज्यूम करते हैं, अगर यही स्टूडेंट बैलेंस हो जाए, यही सस्टेनेबल हो जाए, तो शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, कोलेबोरेशन विद द प्राइवेट कंपनीज एंड इंट्रोड्यूसिंग द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। और इधर लिखा है स्टूडेंट, हेल्प सिटीजन बिकम अ रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड सेल्फ सोसाइटी एंड द प्लेनेट एंड हेल्प आवर नेशन अचीव द लाइफ ऑन लैंड। आगे स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है, सजेशन एंड द कंक्लूडिंग द रिमार्क, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिमांड दैट द इंडियन हायर एजुकेशन बी कमिटेड टू मैपिंग इट्स डे टू डे ऑपरेशन विद SDG, रैंकिंग यूनिवर्सिटीज according to the achievement of SDG is a welcome move, but it is still inadequate to meet the SDG deadline. Aage likha student, to accelerate the progress toward the achieving the 2020 agenda, stakeholders of the higher education should be educated and oriented so that none of their activities leave any SDG behind. Aur aage likha hai 56-105 higher education institutions and universities in the India should work together. Universities should come out reinvigorated and play a part in the education, innovation, culture, civic life of their local communities and community health, energy saving measures, efficient resource allocation, waste reduction, development of the local skill, as well as the sharing the services, infrastructure and facilities with other universities or the external partner should become a culture in universities. यूनिवर्सिटीज का जो कल्चर है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आपस में कोलेबोरेशन बढ़े, रिसर्च बढ़े, जरूरत पड़ने पे एक दूसरे को हेल्प करें, और यहाँ पे जो वेरियस यूनिवर्सिटीज है उनके बीच में स्टूडेंट
इंटीग्रेशन हो, उनके बीच में जो है इस तरीके से तालमेल बढ़े, ये सारी बातें हैं। इट इज अ हाई टाइम दैट द यूनिवर्सिटीज अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी एज अ मंत्रा एंड इनकॉर्पोरेटेड एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनटू देयर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजीज बोथ इन द डेली एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टीचिंग एंड द रिसर्च। इट हैज बीन रियलाइज दैट द हायर एजुकेशन कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन, rather it must be directly integrated with the socio-economic development where each activity and the transaction has meaningful and the multiple impact on SDG. Every citizen must feel that the universities contribute directly to their well-being and nation building. ये सारी बातें हैं, तो हमने इसको यहाँ पे अच्छे से देखा। यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या है लिखा है, fractured collective. McCarthy's ouster revealed a deeper मैलेस इन द रिपब्लिकन पार्टी। तो स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ पे जो है कि मैकार्थी नाम के यूएस स्पीकर थे, है ना, तो इनको स्टूडेंट हटा दिया गया है, रिपब्लिकन पार्टी से थे लेकिन ऐसा माना जाता है रिपब्लिकन पार्टी में ही इनके खिलाफ काफी लोग जो चले गए, और वहीं पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें भी काफी मेंबर ने इनका अपोज किया और इस तरीके से ये स्पीकर हट गए। असल में जो इंडिया और यूएस का जो सिस्टम है इन दोनों में अंतर है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उनके यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और स्टूडेंट यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना उनका इलेक्शन होता है हर दो साल में उनके, हमारे एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट बनती है इलेक्शन हो जाते हैं एक बार में, उनके यहाँ अलग सिस्टम है। पार्लियामेंट की मेंबर के की जो कांग्रेस है स्टूडेंट, कांग्रेस की मेंबरशिप अटेंड करने के लिए कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन दो साल में एक बार होता है, जहां पे मेजोरिटी है रिपब्लिकन पार्टी की। अब कोई भी कानून बनाना है स्टूडेंट तो वहां पे जरूरी है कि रिपब्लिकन पार्टी का सहयोग हो, नहीं तो वो कानून नहीं बनेगा। ये सारी बातें हैं, आगे चलेंगे हम लोग। यूएस की पॉलिटिक्स से हमारे काम का नहीं है, लेटर्स टू द एडिटर ये जरूर पढ़ा करो, इससे काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। और इससे स्टूडेंट मैं बात और आपको बताऊं, इससे जो ग्रिप है ना ओवर इंग्लिश लैंग्वेज ये और ज्यादा आपकी स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि ये जो लेटर्स टू एडिटर कॉलम है यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। देखिए क्या लिखा, द फोर्थ स्टेट लिखा है, द फोर्थ स्टेट इज अ सॉफ्ट टारगेट, अनडिक्लेयर इमरजेंसी अक्टूबर 5, अटैक ऑन द फ्री। भाई जो मीडिया स्टूडेंट हम लोग इसको फोर्थ पिलर कहते हैं कि डेमोक्रेसी में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है, फोर्थ पिलर है। क्या लिखा, अ फोर्थ स्टेट इज अ सॉफ्ट टारगेट, और ये फोर्थ पिलर है जो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है ना, अटैक ऑन फ्री प्रेस। आगे क्या लिखा, बाई गवर्नमेंट एजेंसीज इज नॉट न्यू बट टारगेटिंग अ डिजिटल मीडिया हैज एडेड अ न्यू डायमेंशन टू दिस, सुप्रीम कोर्ट हैज टू एक्ट क्विकली टू स्टॉप सच मिसएडवेंचर्स बाय रूलिंग अ डिस्पेंसेशन एंड ब्रिंग सम लिखा है सेम्बलेंस ऑफ रेशनैलिटी टू द कंट्रीज गवर्नेंस स्पेशली इन मैटर्स ऑफ अ फ्री स्पीच। Over the last 9 years, the Union government has deployed investigative agencies to harass, intimidate various media houses, including the BBC and Dainik Bhaskar, in the Kashmir Balla and the Bayar. The unacceptable action against the news clip only provide a proof of the India's poor ranking on the Press Freedom Index. The Supreme Court, while hearing the former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sodia plea for the bail, questions the tenability of the charges of money laundering trouble leveled against him in the liquor policy case, and apparently shoddy job done by the ED prompted the bench to even remark that the case will fall flat after 2 questions in the cross examination, and these stinging oral observations reflect poorly on the professionalism and competence of ED officers. Few takers for the World Cup. क्या लिखा है स्टूडेंट, जरा देखते हैं इसके बारे में क्या लोगों ने लिखा। लिखा, it was awful to see the empty stand during the first match of the 2023 ICC Men's World Cup, that the modern Premier League with the fewer overs attract more crowd is a sad commentary on the state of the cricket. The 50 over format seems to be facing an existential crisis. Incentive for the science. Most well-known award come with a diploma or the citation. A gold medal in the monetary
component does TACE take away the HAT of the science award. चलो ठीक है स्टूडेंट, हमने इसको देख लिया. यहां पे अगर हम लोग जो ग्राउंड जीरो ग्राउंड करके जो इनका दूसरा पेज होता है वो कैसे ओपन होगा. चलो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं. सैटरडे, आज सैटरडे है और आज के लिए स्टूडेंट हम लोग इतना ही रखेंगे. थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप फॉरेन न्यूज को देख लो, देखना चाहो, इंटरनेशनल न्यूज को स्टूडेंट देख लीजिए क्या है कि वर्ल्ड पेज पे क्या है. यूके अपोजिशन लेबर पार्टी हैज बिग विन इन स्कॉटिश बाय इलेक्शन. तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए क्या है, फिलिस्टीनियंस किल्ड इन अ क्लैश विद द इजरायली इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक. इधर लिखा है बेन जोएला इशूज अरेस्ट वारंट फॉर अपोजिशन लीडर गुआइडो. यही स्टूडेंट देखिए क्या है, हेड टू यूज ट्रंप एरा फंड फॉर बॉर्डर वॉर सेज बाइडन. क्या लिखा, हेड टू यूज, हमको यूज करना पड़ा, हेड टू यूज ट्रंप एरा फंड, ट्रंप के समय में जो फंड रखा गया था फॉर अ बॉर्डर वॉर, मतलब जो हमारा बॉर्डर है, जो सीमा है उस पर दीवार बनाने के लिए, सेज बाइडन. बाइडन ने कहा हमें उसे यूज करना पड़ा, यूज करना पड़ा. यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ऑन थर्सडे डिफेंडेड द डिसीजन टू वेव 26 फेडरल लॉ इन साउथ टेक्सास टू अलाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ 20 माइल एडिशनल बॉर्डर वॉल, सेइंग ही हैड नो चॉइस बट टू यूज द ट्रंप एरा फंडिंग फॉर द बैरियर टू स्टॉप इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम द मेक्सिको. आस्क इफ द थॉट सच वॉल वर्क, ही सेड फ्लैटली नो. ऐसी बॉल तो यहाँ पे काम नहीं करेगी, लेकिन हम फेंसिंग यहाँ पे लगाएंगे जिससे कि लोगों को रोका जा सके. डेडली न्यू स्ट्राइक इज अ की मॉन्स डेथ ऑफ डजंस. तो स्टूडेंट यहाँ पे एक नई स्ट्राइक हुई है, काफी लोग यहाँ मारे गए, इनोसेंट लोग. लिखा है द रेस्क्यूअर्स क्लियरिंग द डेब्रीज ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग आफ्टर द रशियन मिसाइल स्ट्राइक खार्किव ऑन फ्राइडे. खार्किव एरिया में रशियन मिसाइल ने अटैक किया है, इनोसेंट लोग यहाँ पे मारे गए हैं. लिखा है फ्यूनरल्स हेल्ड इन द सीरिया फ्रॉम डजंस ऑफ विक्टिम. रशिया माइट पुल बैक फ्रॉम न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी. तो न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी से रशिया को यहां निकाला जा सकता है. रशियन लॉ मेकर्स विल कंसीडर रिवोकिंग द रेटिफिकेशन ऑफ द ग्लोबल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ऑन द पार्लियामेंट स्पीकर शेड ऑन फ्राइडे. जो ग्लोबल टेस्ट बैन ट्रीटी है, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, उससे इंडिया बाहर, रशिया बाहर हो सकता है. द स्टेटमेंट फ्रॉम द लिखा है स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट ड्यूमा फॉलोड द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वार्निंग दैट मॉस्को कुड कंसीडर, लिखा है, रिशिंडिंग द रेटिफिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल पैक्ट बैनिंग द न्यूक्लियर टेस्ट सिंस द यूनाइटेड स्टेट हैज नेवर रेटिफाइड इट. यूएस ने इसको कभी रेटिफाइड नहीं किया है, रशिया ने रेटिफाई किया. अब रशिया कह रहा है कि हम भी इसको रेटिफाइड नहीं करें. ये सारी बात है. There are the bi-district concern that the Russia could move the resume the nuclear test. और रशिया यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, ये बातें. Philippines condemns the Chinese coast guard. देखो स्टूडेंट यहाँ पे कैसे चाइना बुली करता है अपने पड़ोसियों को समुद्र में. क्या लिखा, the Chinese coast guard ship came within a meter of colliding with the Philippines patrol ship BRP Sindhgan, it was trying to block in the South China Sea in an alarming incident that intensified the fear that the territorial dispute in the water could spark a larger crisis. And the Philippines on Friday strongly condemned the Chinese ship maneuver near the Second Thomas Sound, and which is the Asian neighbor, and both claim it is the closest dangerous maneuver. Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Jay Therala said. इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे जो चाइना है बुली करने की कोशिश करता है अपने पड़ोसी देशों को, जो कि एक बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है. आप एक पावरफुल देश है, आपकी नेवल पावर है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो थोड़ा लेसर पावर कंट्रीज है, जो थोड़ा सा उतने नेवल पावर नहीं है, उतनी नौसेना उनकी स्ट्रांग नहीं है, तो उनको आप बुली करना स्टार्ट कर देंगे. ये तो गलत चीज है. वसुधैव कुटुंबकम जो इंडिया बोलता है, और हम भी कहते हैं मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर, और यहाँ पे ये इस तरीके के जो नोशंस है उसके खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए. साइकिल ऑफ द प्रोटेस्ट सो द चेंज इन द ईरान इररिवर्सिबल मोहम्मदी. तो स्टूडेंट ये चीज हम लोग कवर कर चुके हैं कि यहाँ पे
नोबेल प्राइज देने की बात बोली गई है, ईरानियन एक्टिविस्ट हैं, महिला राइट यानी वुमेन राइट के लिए अपनी बात को रखती है। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी है। यहाँ देखिए, ट्रंप एंडोर्सेस द जॉर्डन फॉर यूएस हाउस स्पीकर पोस्ट। तो ट्रंप एंडोर्सेस द जॉर्डन फॉर यूएस स्पीकर पोस्ट। जॉर्डन, ये जिम जॉर्डन जो है ये एक व्यक्ति हैं, तो इनके लिए स्पीकर की पोस्ट मिलनी चाहिए, ऐसा ट्रंप ने भी यहाँ पे इंडोर्स कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बात बोल दी है, तो हो सकता है ये बन जाए स्पीकर। इस तरीके से डिफरेंट हमने देखा, आरबीआई फ्लेक्स इन्फ्लेशन रिस्क टू स्टेबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लीव्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड फॉर अ फोर्थ स्टेट मीटिंग, रीट्रेट दैट जीडीपी ग्रोथ दैट रिटेल इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस फॉर द रीजन ईयर 6.5% and 5.4% रेस्पेक्टिवली। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में स्टूडेंट यहाँ बात हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई remains alert and ready to take the timely measures to align to the 4% target in the durable basis on preserve the macroeconomic disability, says the Dash, and Lika cites uncertainties including the fall in the Kharif showing and pulses oil seed and the low reserve oil leaves is clouding inflation outbreak. ये सारी बातें यहाँ पे दिखी हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए हम लोग इतना ही रखें, और आज के लिए इतना ही है। स्पोर्ट पेज को जरा जल्दी से हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। क्या है, इंडियन आर्चर्स क्लीव द सिल्वर इन मेंस रेस्क्यू रिकर्व टीम इवेंट। आगे लिखा, इंडियन वुमेन रिकर्व टीम बीन्स द ब्रॉन्ज इन एंड 13-year ड्राउट लॉन्ग वेट एंड किसमें बैटलिंग इंजरीज इन द रिकर्व आर्चर टीम। अच्छा, आर्चरी टीम ने स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। यहीं पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा द इंडियन मैन लूज टू हांगकांग इन द फाइनल क्लेम सिल्वर इन ब्रिज। तो क्या लिखा है, सेकंड स्पॉट, ठीक है, किसमें, इंडियन मैन टीम ऑफ द संदीप, ठीक है। इधर लिखा है फिलीपींस क्लिंचर द फर्स्ट एशियाड बास्केटबॉल गोल्ड सिंस 1962। बास्केटबॉल का जो गोल्ड है वो फिलीपींस ने जीता है। इंडियन मैन सील पेरिस 2024 वर्थ विद गोल्ड मेडल। मतलब हॉकी टीम की बात हो रही है यहाँ पे, हॉकी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और यहाँ पे जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। इन डोमिनेंट परफॉर्मेंस इन द समिट प्लेस विद द स्टाम्प ऑफ द सेल्फ अप्रूव्ड द टीम नीडेड अ गेव इटसेल्फ आफ्टर द लॉस टू द जकार्ता एडिशन 2018। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए आगे चलते हैं हम लोग, साई किशोर एंड द वॉशिंगटन स्पिन इंडिया इन टू द फाइनल। और आगे लिखा है इस तरीके से स्टूडेंट हमने देखा, यहाँ पे हमारे 100 मेडल हो गए, बहुत अच्छी बात है, पहली बार स्टूडेंट एशियन गेम में हमारे 100 मेडल। इस तरीके से जो हमारी परफॉर्मेंस है बहुत ही स्पेक्टेकुलर है, आने वाले दिनों में हमारी परफॉर्मेंस और आगे बढ़ेगी, और ओलंपिक में जहां तक है इस बार हम काफी मेडल जीतेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट हम लोग इतना ही रखते हैं, दैट इज फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। टीम ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर की तरफ से मैं अपने कुमार आप सभी को बेस्ट विशेस बोलता हूँ। आज के लिए इतना ही, अभी नया चैनल है बेटा, जो भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं हमको, सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड सो दैट मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन अस, दैट इज फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू।